गोपाल मंडल जी भाग जाया करते हैं नशे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी जी पहुंचे हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। सर, कितनी तैयारियां हो गई हैं पंचायत चुनाव को लेकर के? जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, ऐसे में आप लोग कितना तैयार हैं? पूरी व्यवस्था के साथ जो निर्वाचन आयोग, जो भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का निर्देश था, कोरोना का गाइडलाइन और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हम लोग सारे चीज़ों के प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। और जब पूरा प्रोसेस तैयार हो गया तभी राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की। हम प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव कराएंगे, ये हम जनता को जरूर विश्वास दिलाना चाहिए। कई क्षेत्र ऐसे हैं सर जो कि बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से आप लोगों की योजनाएं हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं कि आप लोग वहां पर? ये चुनाव की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी, 12 दिसंबर को अंतिम फेज का चुनाव। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वो दिसंबर के दिनों में चुनाव होंगे, इसलिए उस पर बहुत चिंता करनी नहीं है। लोगों को हम जब पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, बाढ़ से सुरक्षित होंगे, तभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सर, तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और बेरोजगारी और किसान के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और बिहार सरकार को निकम्मी सरकार कहते नजर आ रहे हैं। पहले तो वो निकम्मापन दूर करें ना, दूसरे के निकम्मापन को कहाँ चिंता कर रहे हैं। वो ना बाढ़ में दिखते हैं ना कोरोना में दिखते हैं, तो पहले वो दिखना शुरू करें तब दूसरे की चिंता करें। आखिरी सवाल ले लिया जाए सम्राट चौधरी जी, अजय मंडल हैं, जेडीयू के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, वो अब ये कहते दिखाई देते हैं और बयान देते दिखाई देते हैं कि गोपाल मंडल जी भाग जाया करते हैं नशे में। देखिए, तमाम सवालों का जवाब सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे थे देते हुए, मगर जब हमने ये सवाल किया कि अजय मंडल जो कि जेडीयू के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, और वो इस तरीके का बयान देते हैं कि गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक हैं वो नशे में भाग जाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो हैं इस बयान पर कुछ नहीं कहते नज़र आते हैं, चुप्पी साधते नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं एनडीए में जो लगातार सवाल उठ रहा था, कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होने की मांग हो रही थी, यही कारण है कि अब जो तमाम नेता और मंत्री हैं वो एक दूसरे पर पलटवार करने से बच रहे हैं। तो ये जो तमाम जो मसले हैं वो लगातार उठ रहे हैं और विपक्ष इसको काफ़ी बुलंदी के साथ उठा रहा है। अब तो सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे कि जेडीयू के कितने मंत्री, विधायक और सांसद रात में नशे में भाग जाया करते हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है वो विपक्षी खेमा उठा रहा है और इन सवालों का जवाब जो है वो किस तरीके से जेडीयू के नेता देते हैं, मगर एनडीए गठबंधन को लेकर भी लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, बिहार सरकार को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और उन तमाम सवालों से हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।